सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, आज मेरे पास है एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, जो कि अपने चैनल से रिलेटेड है। भाई लोग, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया वाली न्यूज़ है, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भाई सुन के बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि अगर आप लोग ट्रू मेंबर हो पीजीएच आर्मी के, तो आपको भाई बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस न्यूज़ को सुनने के बाद, ठीक है। एंड कल आप लोगों ने भाई अपने चैनल का लोगो चेंज किया था, तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ ने तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। भाई मेरे को पता नहीं भाई, मतलब लोगो जैसे चेंज हुआ ना, बंदे मतलब बदल गए भाई, ऐसा मतलब चैनल नहीं पहचान में आ रहे हैं भाई बंदों की। बट हाँ, अभी सीन क्या है, अभी नया नया लोगो चेंज हुआ है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, लोगो वही है, बट हल्का सा लोगो में अपडेट हुआ है भाई, बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो गया, और थोड़ा दिखने में थोड़ा मतलब जो होता है ना भाई, चमक दमक वो ज़्यादा हो गया। बाकी थोड़ा जूम भी किया है मैंने, तो बस जस्ट लोगों को मैंने मॉडिफाई किया, ज़्यादा चेंज नहीं किया, बट फिर भी बंदे मतलब अब देखो, अपना जो पुराना लोगो था ना भाई, 2 साल से भाई बस गया था सबके दिल में वो लोगो, सो उसको चेंज करना मेरे को ये उम्मीद तो था भाई कि दिक्कत होगी, बंदे थोड़ा मतलब थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगो देखोगे आपके ये भी समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बट जो गुड न्यूज़ है ना भाई, गुड न्यूज़ ये है कि देखो, जब अपन लोग ने भाई मतलब जैसे नया साल शुरू हुआ था ना, अपन लोग ने पोकेमॉन हार्ड गोल्ड शुरू किया था, पोकेमॉन हार्ड गोल्ड के ऊपर पता है क्या सीन हुआ, वो गेम का जो है ना भाई एपिसोड, वो मतलब उस पर व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे थे, एंड काफ़ी कम व्यूज़ आए थे भाई, और उस चक्कर में क्या हुआ पता है, अपना जो चैनल है भाई, ये वाला चैनल, इसकी जो रेटिंग से काफ़ी गिरी भाई, व्यूज़ गिरे, वॉच टाइम गिरी, सब्सक्राइबर्स रेट भी भाई बहुत गंदा वाला सीन हुआ, अर्निंग्स पे भी भाई बहुत बुरा वाला इफेक्ट पड़ गया। एंड हाँ, पोकेमॉन हार्ड गोल्ड जब मैं खेल रहा था, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव भी था चैनल पर, तो वो भी एक रीज़न है भाई, वो भी एक फैक्टर है। एंड पोकेमॉन हार्ड गोल्ड भाई मैंने कांटो क्यों नहीं खेला, ये भी एक रीज़न है, बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी लो सपोर्ट आप लोगों का देखने का मिला, एंड बंदे काफ़ी कम देख रहे थे भाई उसको, तो उसको कंटिन्यू करके कुछ मतलब नहीं था। बट एक अच्छी चीज़ क्या है पता है, गुड न्यूज़ क्या है, जब से मैंने पोकेमॉन गया स्टार्ट किया, तो तब से भाई कॉन्स्टेंट 3.5 की व्यूज़ हर एक एपिसोड पर आ रहे, मतलब और टच हुए ऊपर गए 5,000-6,000 भी गए, बट 3.5 की व्यूज़ हर एक वीडियो पर गए, हर एक वीडियो पर 3.5 की व्यूज़ गए हैं, मतलब 3,500 हर एक वीडियो पे, तो ये काफ़ी अच्छी वाली बात है। एंड इस चक्कर में अपना जो चैनल नीचे गिर गया था भाई, रेटिंग्स वगैरह, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ, वो धीरे धीरे अप हो रही है भाई, धीरे धीरे अप हो रही है, ज़्यादा फास्ट में नहीं हो रही, धीरे धीरे। सो सीन देखे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड मैंने सोचा भाई आप लोग भी भाई अपने चैनल के मतलब सब आपके हाथ में ही है, तो आपके साथ ये भाई गुड न्यूज़ शेयर करना बनता है, एंड मैंने शेयर भी कर दिया। अब देखो अपन को करना क्या है, अपन को ना भाई जो अपने हर एक एपिसोड्स आएंगी पोकेमॉन गया के, उसके ऊपर भाई जो अपना कांस्टेंट सपोर्ट है उसको बरकरार रखना, मतलब 3.5 की व्यूज़ हर एक एपिसोड पे होने चाहिए, जिससे जो अपना चैनल भाई नीचे गिर चुका है, अब वो थोड़ा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इसको अब ऊपर उठाओ, गिरने मत दो, ठीक है, धीरे धीरे उठ रहा है भाई, उम्मीद जागी है, तो उसको भी टूटने मत दो। बाकी आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग अच्छे लोग हो, तो आप लोग समझ जाओगे, एंड समझ भी गई होगी भाई। एंड कुछ लोग होते हैं जो भाई मतलब नहीं देख सकते वीडियो में, समझता हूँ पेपर वगैरह एग्ज़ाम वगैरह सब की है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बट अगर आप देख सकते हो तो देखो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है गाइस। ओके, बातचीत बहुत होगी, आप लोग ने बोला था भाई यहाँ पे फी वैस मिलेगा तो फिशिंग कर लेना, ओके लेट्स गो नहीं लेट्स डू फिशिंग, एंड मच्छी पकड़ते पहले फी वैस पता है माइलोटिक बनती है, आप लोग को पता है, मैंने आप लोग ने मेरे को कमेंट करके बताया, तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, टेंशन लो, ये देखो पहले हिट में आया। एंड हाँ भाई लोग, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक इस गेम को डाउनलोड नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट कर लो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। और अगर आपकी आपको इस गेम के चीट कोड चाहिए, जैसे कि रेयर कैंडी की, मास्टर बॉल की, वॉक थ्रू वॉल्स की, तो आप लोग भाई मेरे सेकेंड चैनल को फटाफट चेकआउट करो, और साथ ही साथ भाई मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, मतलब सभी चीट कोड्स के जो इस गेम के ना, सभी के लिए भाई अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी, उधर भी जाके मेरे को फॉलो कर लो, बातचीत करने दो, मैं काफ़ी सारे लोग से बात करता हूँ भाई, पता होगा सबको, काफ़ी सारे बंदों को मैंने रिप्लाई दिया है। हाँ बस एक चीज़ है, अपने चैनल वगैरह को वहाँ पे प्रमोट कराने को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सीन पॉसिबल नहीं है भाई, अगर हाँ अगर आपके 1K 2K सब्सक्राइबर्स है तो मैं एक टाइम पे आपसे कोलैब कर सकता हूँ, बट अगर आपके 1K से कम है तो फिर थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज भाई 1K से कम आजकल सभी पोकेट्यूबर यूट्यूबर हैं, तो सबके साथ भाई ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप थोड़ी मेहनत कर दो, थोड़ा ग्रो कर जाते हो, तो फिर मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ भाई, बट स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है, तो समझा करो प्लीज़, हाँ मतलब प्लीज़ भाई समझा करो ये सब सीन, ठीक है। एंड बाकी सब तो भाई इंस्टा पे फॉलो कर लेना, सेकंड चैनल चेकआउट करो, वहाँ पे आपको गेम से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे आते रहता है सब कुछ वहाँ पे, जो गेम्स अपन खेलते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस उस चैनल पे आती है, तो भाई कर लो सब्सक्राइब, क्या जाता है भाई, जैसे इसको किया ऐसे उसको भी कर लो। बाकी फीवेस को अपन पकड़ नहीं पाए, बातों बातों में फेंड हो गया बेचारा, पॉलीवल भी बढ़िया है, बट पॉलीवल नहीं चाहिए हमको, फीवेस भाई माइलोटिक ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल पावरफुल है,
पॉलीग्राथ भी भाई बहुत ज़्यादा ओपी लेवल का है भाई, चारिज़ार्ड को धो दिया था भाई, बट बाद में चारिज़ार्ड ने पटक के मारा था उसको, बात अलग है, बट मज़ा आया था भाई वो बैटल, भाई पोके फैंस के दिल में बसी हुई, मेरे को भी भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस बैटल में। एंड इस बार फीवेस की एचपी लो हो चुकी है, पता है इसको पकड़ने के लिए ना मेरे को लगता है ना इसको डैमेज देने की ज़रूरत थी, बिकॉज नल्ला सा पोखे ने बहुत कमजोर है, बट कितना भी कमजोर हो नेवर अंडर एस्टिमेट अ चीटी ऑल्सो, बिकॉज चीटी भी हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी ठुमका लगाने में मजबूर हो जाता है समझ रहे हो। एंड बाकी आज मैं अच्छे मूड में हूँ, तो फिर मैं अपना मूड बेकार नहीं करना चाहता, इसलिए फन हैव फन इन लाइफ गाइस, बाकी सब टेंशन तो भाई दुनिया भर का रहता ही है सबको और क्या ही करना है। लड़की से पंगा लेने में कोई बुराई नहीं है, बट लड़की अगर चप्पल ना निकाले ना तो फिर पंगा ले ले अपन खुशी खुशी। मैंने काफ़ी जगह देखा है भाई, फाइट होती है ना तो लड़की का पल्ला हमेशा घटा हुआ ही रहता है, भले ही लड़का कितना भी बॉडी बिल्डर हो लड़कियाँ धो डालती है भाई, चप्पल ही चप्पल मारती है भाई, मैंने खुद भाई मेरे मार्केट में एक बार सीन देखा, तब से मैं हैरान हूँ भाई, लड़कियों से पंगा नहीं लेना भाई, दूर ही रहो भाई, नहीं लड़कियों की क्लोज भी नहीं जाना, दूर ही रहना भाई। मैंने देखो क्या है ना, मैं गया था एक्चुअली, मैं सब्जी लेने गया था घर के लिए, मैंने देखा भाई पता नहीं सीन क्या हो, मैं जैसे पहुंचा ना वैसे ही भाई एक आंटी जी एक अंकल जी को चप्पल ही चप्पल भिड़ाई जा रही है भाई, चप्पल ही चप्पल लिटरली भाई चप्पल ही चप्पल। मैंने बोला भाई क्या सीन है, मैं दूर खड़े होकर देख रहा हूँ भाई, रुकी नहीं रही भाई, आंटी मारी जा रही है और अंकल बेचारा भाई खड़े होकर मार खा रहे हैं, एंड ऊपर से उधर लोग जमा होते हैं भाई, आप लोगों को पता है ये सब मामले में लोग बहुत ज़्यादा जमा होते हैं एंड सब मज़े ले रही है भाई, कोई किसी को कोई लड़की को सपोर्ट नहीं कर रहा, लड़की को भले सब सपोर्ट कर रहे भाई, अगर उस टाइम पे लड़की ने पलट के एक हाथ मारा होता ना लिटरली लेडी को, तो मतलब उस आंटी जी को, तो पूरी भीड़ मिलके लड़की को धो डालती, मगर लड़की मारे जा रही है भाई चप्पल ही चप्पल, बट कोई कुछ नहीं कर रहा भाई, हद दे भाई, इसके लिए बोलता हूँ भाई लड़कियों से दूरी रहो, और बाकी सब मोह माया आप लोग समझदार लोगों को समझो, बाकी सब तो छोड़ ही दो, हम लोग नेमेसिस केव में आ चुके, मतलब नेमेसिस रिवर से नेमेसिस केव, नाम दोनों का सिमिलर ही है, बस केव और रिवर का फ़र्क है। ओके भाई साहब, अबे वाइल्ड पोकेमोन जू बैट अपने लोग पोकेमोन हार्ड गोल के अंदर जस्ट पकड़ के उसको कंप्लीट किया, तो फिर दिक्कत नहीं, अभी नहीं पकड़ेंगे। इट्स वियर्ड हाउ ग्रास कैन स्टिल ग्रो इन हियर, अरे भैया पता है एक होता है पीपल का पेड़ क्या है पता है भाई, बिल्डिंग्स तक में भाई वो जम जाता है भाई, मतलब बिल्डिंग के दीवार में, मैं देख के हैरान होता भाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस गाइस, मतलब मिट्टी मिलती है क्या भाई, अब पता नहीं कारीगर लोग ने काम चोरी करके बिल्डिंग बनाया, उसमें थोड़ा सीमेंट के बदले मिट्टी डाल दिया होगा तो बात अलग है, बाय द वे वैसे तो ये मुश्किल काम है, बट फिर भी भाई पीपल का जो पेड़ होता है ना वो बिल्डिंग्स में भाई जमने लगता है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा रहता है, बट कहीं कहीं तो बड़ा भी हो जाता है भाई, अगर अच्छे से पानी वगैरह मिलता है उसको, तो वहाँ पे एक लड़की थी इसके लिए भाई, उससे डर गया मैं एंड बैटल करने नहीं गया, इसके लिए यहाँ पे आया, यहाँ पे एक पोकेबॉल दिख रहा है एंड एक और लड़की, अबे लड़कियों की कमी नहीं है वैसे तो, बहुत कमी दिखती है भाई, अरे ये लड़की बैटल नहीं की भाई, वो हो ब्यूटीफुल गर्ल, हेलो इट सीम्स नोबडी गॉट हर्ट इन द अर्थक्वेक दैन, ओके बढ़िया है फिर तो, कोई हर्ट नहीं हुआ। ये लड़का मेरे को खतरनाक लगा, लड़की होती पंचायती है, लड़की को तो छोड़ती नहीं, लड़कों को भी नहीं छोड़ती ओके नहीं मैं लड़कों की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, लड़का टेंशन ना लो भाई, खुद की बुराई कौन करेगा भाई, पागल हो गए तुम लोग, कहाँ जा रहे हो भाई, बातों बातों में ये क्या है भाई, ये पता है वो पोकेमोन लग रहा है भाई, अरे वो पता नहीं नाम नहीं याद मेरे को, मगर लग रही है। इट्स एन अनदर टैबलेट इट अपीयर्स टू डिपिक्ट, हाँ लिलीप सही लिलीप, हाँ एकदम सही नाम। यू ओवर देयर कौन है भाई, हु इज यू ब्रो, पता है मतलब रेंजर, ओके रेंजर भाई, मैं फन में बात बात में सही जगह पे आ गया भाई, मतलब लिटरली ज़्यादा टाइम पर बात नहीं हो अपना भाई, अच्छी बात है। आई सी यू हैव फाउंड द नेमेसिस केव टैबलेट, वी रेंजर्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस टैबलेट फॉर सम टाइम, यू नो वी सस्पेक्ट इट माइट बी कनेक्टेड टू द अर्थक्वेक दैट हैव बीन हैपनिंग रिसेंटली, हाँ हो सकता है भाई, मतलब हो सकता है, देर वॉज एन ओल्ड लेजेंड विच टोल्ड ऑफ पोकेमोन विच मेक दिस टैबलेट्स ग्लो अ वाइट कलर, वी हैव ट्राइड ब्रिंगिंग अ लिलीप थ्रू एंड नथिंग हैपेंड, एनीवे आई एम सॉरी टू बोर यू, इट जस्ट नाइस टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद सिमिलरली क्यूरियस माइंड, ओ एंड यू शुड केम बाय द रेंजर्स एच क्यू क्वार्टर हेड क्वार्टर्स लेटर, ओके एच क्यू लेटर मतलब हेड क्वार्टर्स होता है, एच क्यू मतलब हेड क्वार्टर्स लेटर, कहाँ पे है बाय द वे, वी आर गोइंग टू बी होस्टिंग अ बग कैचिंग कॉन्टेस्ट, आई विल सी यू देयर ट्रेनर रेंजर्स हेड क्वार्टर्स एच क्यू, पता नहीं कहाँ पे भाई लोकेशन, आई डोंट नो द लोकेशन गाइस, और आप लोग मेरे को बता नहीं सकते फिलहाल बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द लाइव स्ट्रीम, अगर लाइव स्ट्रीम होता तो आप लोग भाई बता देते मेरे को, बट अभी फिलहाल सीन गड़बड़े। ओके इस बंदे को आप लोगों ने चकमा दिया था ना यार, भैया प्लीज़ ब्रो, अच्छा एक बार इधर देख,
अबे भाई पकड़ लिया, चलो कोई बात नहीं, पंगा ले लेते भाई। इस बग कैचर लग रहे हो कि बग कैचर ये? फायर उन्हें फ्लाइंग आगे देते तो बढ़िया हो जाता सीन। अरे रुको मैं बुला ही लेता हूँ ना भाई। अबे भाई मेरे को एक काम करना था, मैं भूल जाता हूँ यार। मैं सोचता हूँ कि करूँगा ये काम, मैं पता है मेरे दिमाग में चलते रहते गेम की बातें, मैं सोचता हूँ भाई पहले वही करूँगा बट मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं बातों बातों में होता है भाई, पता है बातों बातों में होता है, टेंशन नॉट। बट अपन को याद आता है तो अपन तुरंत तो काम कर देते, कभी कभी तो उधर भी भूल जाते हैं। अपन बहुत ख़तरनाक लोग हैं भाई, बना बनाए काम बिगाड़ने में तुले रहते। पता है इसके पास क्या है आइटम? अब एक्सपीरियंस जिसके पास ही वही काम करना था, मेरे को याद ही नहीं था कि एक्सपीरियंस किसके पास है। चलो सही, जो मैंने सोचा था वो पहले से ही हो के रखा है, मैंने पहले से ही करके रखा है। मैं काफ़ी अच्छा हूँ भाई, पहले से काम करके रखता हूँ पता है। लेट्स गो डाउन। अरे कूदना पड़ेगा, कूदते ना, देखते क्या होता है यहाँ पे। क्या है? द सर्फिस कवर्ड विथ मॉस एंड फील सॉफ्ट टू द टच। ओके सॉफ्टी सॉफ्टी। यहाँ पे पता आइटम्स मिल सकते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, मैंने ट्राई किया नहीं मिला एक भी। यहाँ पे नहीं, आप लोग ने बोला था पत्थरों में चेक करिए भाई मिलते हैं आइटम्स, तो करना पड़ता है। आप लोग सजेशन दो और मैं ना करूँ तो फिर आप लोग बुरा मान जाओगे यार, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, आप लोग को बुरा नहीं मनाना चाहता भाई। मैं फास्ट में क्यों खेल रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरे को फटाफट एक भाई पूरा एक्सप्लोर करना है। एंड आप लोग ने पहले से मेरे को बोल के रखा आइटम्स बहुत सारे मिलेंगे भाई, सब उठा लेना, एक को नहीं छोड़ना, तो इसीलिए मैं भाई एक्सप्लोर करना भाई, तेल लेने गया ये सब कौन करेगा फालतू चीज़। आप लोग ने बोला इसके लिए कर रहा हूँ, ये पत्थर मैं फोड़ सकता हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, एक ही बुक होनी इसके पास भाई। किंग तू मार सकता है तो मार ले, वरना तो फिर नहीं मार ही पाएगा भाई तू। ये क्या पता फाइटिंग प्लस फ्लाइंग है, अगर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक होता तो बात बनता, बट इस झंडू बाम के पास एक भी नहीं है फिलहाल, वही तो दिक्कत है यार, एक भी नहीं है। इसके लिए सब बंदे आके मजा ले लेते इसकी। कब सीखेगा भाई? देवे लेवल 37 है ना, ऐसा कुछ तो बोला था भाई कमेंट में एक बंदे ने, थंडर नहीं थंडर बोल ऐसा कुछ, शॉक भी क्या पता भाई, याद नहीं मेरे को, भूल जाता हूँ मैं, बहुत बड़ा ब्लॉक करूँ। ओके यहाँ से हम लोग आए थे, ये तो अपना आने वाला ओपनिंग है भाई। चल भाई ऊपर। अबे कभी कभी कंट्रोल्स का दिक्कत होता है, मैंने आप लोगों को कितने बार बताया। अरे मैडम जी वाई वाई यू हैव टू बैटल विथ मी, मैंने क्या बिगाड़ा भाई किसी का? नहीं नो फेन कर भाई जल्दी, क्या कर रहा है किंग? अबे तू राजा है भाई, अभी रुको मैं इसको भाई इसका पहला पोजिशन हटाने वाला हूँ, बहुत हो गया हद, फेन करो इसको। अरे चलो बढ़िया जंप लग, बढ़िया काम किया बंदर भाई। लेट्स गो लेट्स कम एंड शो समथिंग टू दिस जंप लग। एल भाई आते ही शक्ति दिखा दिया भाई, शक्ति प्रदर्शन करना हो तो कोई बंदर से सीखे। या वी हैव टू यूज सुपर रिपेल, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाय द वे हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे भाई रेंजर्स का? मेरे को पता नहीं है भाई लिटरली, क्या है भाई कितने बैटल्स होंगे भाई यहाँ पे। उस बंदे को हराने के बाद आगे आने के बाद मेरे को TM20 डिग मिला भाई लोग यहाँ पे, और अभी अपन फटाफट चलते। देखो अभी क्या है ना, अपन एपिसोड फालतू के लिए नहीं कर सकते एपिसोड में भाई, क्योंकि रोज़ रोज ये नहीं चलेगा भाई। इसको भी हराने के बाद डायरेक्टली मैं चलता हूँ आगे भाई, फालतू गिरी हो जाती है भाई ज़्यादा टाइम में बैटल में। इसको हराने की बात करना क्या, अपन को जाना कहें भाई देवी? धीरे धीरे बैरिकेड्स आते, कूदना पड़ता है फिर उसको। ओके यहाँ पे एक पोखे बॉल है ये ले लेते हैं। आप लोग ने बोला था आइटम सब उठा लेना, बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेगी भाई, इसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आप लोग नहीं बोलते तो भाई मैं नहीं आता, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन से आइटम से भाई। चलना भाई बहुत हो गया। अरे एक बार फिर से कुछ है क्या भाई इसके अंदर? अरे यहाँ पे सामने ये नगेट, नगेट बड़ी बढ़िया चीज़ है भाई, सबसे बढ़िया चीज़ नगेट होता है, बहुत पैसे मिलते भाई। इन अंकल को हराने के बाद हमको ये तो वही जगह ना जहाँ से अपन गए थे, हाँ वही जगह सही जा रहे हैं। काम हो गया क्या अपना? कूद गए यहाँ से, पता नहीं मैं पता नहीं गाइस। अच्छा यहाँ से अपन आए थे ना भाई, ये सब तो अपन भटक चुके, या ये भटक चुके ये सब रास्ते पुराना हो गया, सब भटक चुके गाइस, इसमें नहीं जाने दोबारा। ठीक है ओके एक मिनट। अच्छा यहाँ पे भी भटक चुके भाई, कहाँ जा रहा है? अब वापस चलते, अपना काम हो गया भाई पूरा किया अपने, एक्सप्लोर कर दिया लगभग लगभग लगभग, कुछ बचा होगा तो बताना कमेंट में, बाकी मेरे हिसाब से तो भाई पूरा हो चुका है। ये क्या भाई, आर यू श्योर इट्स हियर? वेल आई सॉर्ट ऑफ लॉस्ट द मैप, आई एम नॉट श्योर वेयर वी आर राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू से सो देन, आई एम सर्टेन दिस इजंट द राइट वे, वी शुड गो बैक एंड चेक द अदर पाथ। सॉरी इजी कील सर, एक इजी कील क्या नाम है भाई, अतरंगी नाम है पता नहीं भाई, क्या फ़र्क क्या पड़ता है मेरे को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाय द वे वो जाना है मेरे को उधर,
चल भाई चल फटाफट चल, एक काम करते हो, देखो रास्ता तो अपन को पता ही है, तुम्हें डायरेक्ट पोकेमॉन सेंटर मिलता हो, डायरेक्ट हील करा के फिर आगे का काम करते हो ना, एपिसोड फालतू की बड़ा होगा, कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। ओके भाई लोग, यहाँ पे हीलिंग करा के मैंने एक्सप्लोरिंग स्टार्ट कर दी फटाफट सिटी को। यहाँ पे स्टार पीस के बदले में ये लड़की ने मेरे को पता नहीं क्या देने वाली, ये पीपी अप। ओके स्टार पीस के बदले मेरे को पीपी अप मिला, स्टार पीस भाई पता नहीं भाई क्या क्या दे देते भाई। चलो पीपी अप भी बढ़िया भाई, एलाइट फॉर बैटल में काम आएगा, बाकी थोड़ा एक्सप्लोरिंग बचा है मैं उसको कंप्लीट करके मिलता हूँ आप लोग से, देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट सीन होगा मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नॉट। ओके गाइस, जो जगह हम लोग को चाहिए था वॉलून रेंजर्स हेड क्वार्टर्स, टेक पार्ट इन द बक कैचिंग कॉन्टेस्ट, वो जगह हम लोग को मिल चुकी है, लेट्स गो जिम भाई, देखते खुला है कि नहीं, चेक नहीं किया। ओके बंदी है भाई, जिम भी कुछ होगा फिर वो कंप्लीट करने के बाद ही खुलेगा भाई, पता नहीं होगा कुछ, क्या करना है अपन को। हेलो दे, ए ब्रो बात कर, आर यू न्यू रिक्रूट, डिडेंट थिंक सो भाई, लगता नहीं तेको, सही बोला नहीं हूँ मैं। द फर्स्ट बुक यू कैप्चर इन द बक कैचिंग कॉन्टेस्ट इज द वन यू एंटर, सो चूज वाइसली। चलो ठीक है, बक कैचिंग में बटरफ्लाई मिल जाए तो बढ़िया है। आर यू गोइंग टू एंटर द बक कैचिंग कॉन्टेस्ट, आई विल बट आई ओनली एवर फाइंड लो स्कोरिंग पोकेमॉन लाइक वीडल। अरे भैया ये सब नॉर्मल है भाई, वीडल क्या नाम है उसका, कैटपी और वार्डन, नहीं हार्डन वार्डन जो भी नाम है भाई क्या मालूम। आई विश आई कुड गॉन टू नेमेसिस केव विद दोस गाइस, अरे मैं गया था, तुमको चलना चाहिए था मेरे साथ, अच्छा लगता, लो कंपनी मिल जाती वरना ने। हे दे आई एम गोइंग टू एंटर इन द नेक्स्ट बक कैचिंग कॉन्टेस्ट, ओके मेरे साथ चलोगे भाई, मेरे को एक फ्रेंड हमेशा चाहिए होता भाई एक पर्टिकुलर काम के लिए, मतलब कहीं जाना हो स्पेशली तो। द बक्चिंग येस, यू आर ओनली अलाउड टू ब्रिंग वन पोकेमॉन टू द कॉन्टेस्ट, प्लीज सिलेक्ट विच वन यू वुड लाइक टू ब्रिंग। आई एम गोइंग विथ आई थिंक बंदर या फिर विनसॉर मेगा वॉल होता, बट बंदर सही है भाई, बंदर विल ज्वाइन यू, येस बड़ी वॉज ट्रांसफर टू समून स्पीसी, हैज इट्स यू फर्स्ट टाइम टेक दिस, ऑब्टेन द पार्क बॉल्स, ओके पार्क बॉल्स, यू कैन बाई मोर पार्क बॉल्स फ्रॉम माई, ओके 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 ओके, अरे छोड़ना यार बहुत हो गया। वलून रिजर्व, ओके देखते कौन से पोकेमॉन मिलते, मेरे सभी पोकेमॉन पता है पीसी के अंदर ट्रांसफर हुए, ये देखो भाई सबके सब, बट अभी सीन क्या है पता है, मैं लेआउट पे सबका भाई मिसिंग नहीं कर सकता भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा इसमें, इसके लिए लेआउट पे पोकेमॉन आपको दिखेंगे, ठीक है मैं पहले बता रहा हूँ भाई, नहीं मतलब सबको पहले हटाना फिर भाई, ये वियर्ड सा काम है भाई, बहुत इसमें टाइम भी लग जाएगा और ये फालतू गिरी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है तो वो काम में नहीं करने वाला, टेंशन नॉट। निनकाड़ा बढ़िया है बट इतना भी अच्छा नहीं, बक कैचिंग कॉन्टेस्ट ओके। हेलो हेलो दे, हेलो दे, ये कौन है, ओके पहले पूरा एक्सप्लोर करते कितना बड़ा है, ओके ये बढ़िया ना भैया, ये है का चबोकोन जो कि वन हिट हो गया, अच्छा समझ गया बट वन हिट हो गया क्या भाई, कोई क्या बोला तूने मैंने पढ़ा नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं बंदे को बुरा नहीं लगा ना यार, बुरा जिसको लगता ना उसको मनाने में टाइम लगता है, कभी भी ना किसी की बात का बुरा मत मानो, बिकॉज किसी किसी का मोटिव यही होता है कि आपको बुरा लगे। बाकी मैंने दुनिया देखी है और देख ही रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन बहुत बड़े बड़े पड़े हो गए भाई, पार्क बॉल मिले तो अपन को ट्राई करते, आने वाला तो नहीं है भाई, अरे आ गया, वॉट What the? Congratulations! All contestants have now captured Pokemon. The judging round will begin shortly. अरे भाई अबे हाँ एक ही Pokemon पकड़ सकते थे भाई अपन, अबे यार चलो, tabulation is finished. We can now reveal the scores. In third place with 323 points. It's a bit third place क्या है, तीसरा place. For coming in third place, Sanjay has won a citrus berry, but obtained the citrus berry. भाई पहले place पे, in second place with 348 points, it's Basley. For coming in second place, Basley has won one Everstone. अबे पकड़ा क्या उसने? नाम तो बता Pokemon का भाई. In first place with 448 points, it's Vernon. For coming in first place, Vernon has won. वन बीड्रिल आइट, हो रही भैया बीड्रिल का मेगा स्टोन, एक मिनट नहीं तुम मेरे को बात बताओ, मैंने बीड्रिल पकड़ा इतना बढ़िया तगड़ा मस्त पोकेमॉन, मेरे को इतने कम पॉइंट मिले, ये लोग ने पकड़ा क्या भाई, लोग को इतना बढ़िया बढ़िया प्राइज मिल रहा है भाई, बीड्रिल आइट मेगा स्टोन और कोई बच्चे, थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग, वी होप टू सी यू अगेन। अब गलत बात है, मेरे को खेलना ही नहीं भाई, ट्राई करते फिर से, बीड्रिल आइट मिल रहा है ट्राई कर सकते ना भाई,
चलो ट्राई करते हैं इस बार। अबे बीड्रिल पकड़ ले, तो बीड्रिल मेरी टीम में आ गया भाई, मैं इसको भी लेआउट पे चेंज नहीं करूँगा, टेंशन नॉट, मैं नहीं करूँगा भाई, ये बेकार चीज़ है, ये नहीं होगा भाई लेआउट पे चेंज, नहीं ये नहीं हो ही नहीं सकता भाई। इस बार ये पकड़ लेके बीड्रिल, क्या बोलते हो, इस बार थोड़ा डैमेज देके पकड़ेंगे, वो लगता है उसमें सीन गड़बड़ हुआ था, निनकाना ट्राई करते, क्या बोलते हो। अरे यार फेंट हो गया, पता नहीं भाई मेरे को ज़्यादा पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, किसी को कुछ आइडिया है तो कमेंट में बताना मेरे को। ताकत रो पोखेन तो मैंने पकड़ा था भाई, बट बात नहीं बनी उससे, और बाकी वो लोग की पोखेन भाई रिवील नहीं किया उसने, मेरे पोखेन रिवील कर दिया, गंदी बात है भाई ये। अरे वाह, साइथर हमेशा से मेरे को पसंद है, आई होप मार्क पंच से फेंट नाउ प्लीज़ बड़ी। अरे वाह, नहीं सीन क्या है ना, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि दिक्कत मेरे बंदर को ही हो रहा है अभी। अबे यार नहीं, एम्बर खा तू, एम्बर खा, फिर नहीं, जिसका डर रहता ना वही हो जाता है। ओके कोई बात नहीं, होता है होता है, दुख अपन को ही मिलता भाई, जिसको पसंद करो ना वही ज़्यादा भाव खाने लगते हैं, उनको चना आटा खिलाना पड़ेगा वो पानी नहीं देंगे फिर पीने को। लेट्स गो, पहला प्राइज जीतना भाई, बीटर लाइट मिलेगा, मेगा स्टोन भाई, बढ़िया चीज़ है वो, बीटर तुमने पकड़ ही लिया है, बीटर लाइट मिल गया तो और मज़ा आ जाएगा ना भाई, उसको मेगा इवॉल्व कर देंगे आज के एपिसोड में। यो अरे प्रिंसर भी ग्रेट है भाई, प्रिंसर भी ग्रेट है, बस एक एम्बर में फेंट ना हो प्लीज, नो ही ओबे, क्या है बे क्या है, सब क्यों फेंट हो रहे हो भाई एक एक एम्बर में भाई, हद होली बात है भाई। वंपल भी अच्छा है यार, अबे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार, अबे एक पे आर्ट बढ़िया नहीं लगा भाई, मजा नहीं आया भाई। साइथर भी एम्बर में फेंट हो गया, बेड्रिल भी फेंट, सभी फेंट हो गए भाई, क्या बताऊँ मैं। ओ भाई ब्यूटीफ्लाई भी ग्रेट है भाई, मार्क पंच, ओके मार्क पंच टट्टी डैमेज दे रहा है पता नहीं क्यों, छोड़ो ब्यूटीफ्लाई छोड़ो, नहीं चाहिए वो ब्यूटीफ्लाई, वैसे क्यूट पोकेमॉन है बट उतनी ज़्यादा नहीं जो मेरे को पसंद है। एक काम करता हूँ मैं भटक भटक के ढूंढता हूँ अच्छा लो पोकेमॉन, जैसे मिलेगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे यार, क्या बात है। एक बार फिर से आ चुका है साइथर, अरे यार इस बार गलती, ओके क्लोज कॉम्बैट से कम डैमेज पड़ रहा है वो, ये तो नया है भाई, ये नया चीज़ है, मतलब बग टाइप के ऊपर इफेक्टिव कम होता है बट क्लोज कॉम्बैट काफ़ी तगड़ा डैमेज देता है भाई, इसके लिए भाई मेरे को लगा था कि वो वन हिट कर देगा क्योंकि लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क है, बट यहाँ पे सीन गड़बड़े। और आ जाएगा ये, आ जाएगा एक दो बार में आ जाएगा, ट्राई करते रहो, आ जाएगा करते ट्राई, आ जाएगा, आजा आजा आ गया बेडू, बढ़िया एक ही पोकेमॉन अपन पकड़ सकते थे इसके लिए, नहीं कोई निकनेम नहीं देना भाई फिलहाल, कटर नाम देना चाहिए था मेरे को इसको, मैंने एक बार कोई गेम तो खेला था उसमें पकड़ा था तो मैंने कटर नाम दिया था। विथ जीरो पॉइंट्स कौन है, माइकी, बहुत बढ़िया, अच्छा अपन तो सिट्रस बेरी मिला इसको, अपन इस बार पहले पोजीशन पे आ जाएंगे। ओहो ओके, अब सेकंड पॉइंट, व्हाट द हेल मैन, गलत बात, हट भाई गलत बात, एवर स्टोन मिला भाई गलत बात, बे यार 274 पॉइंट्स पे यार फायर स्टोन मिला इस बार, ये तो प्राइस ही उलट पुलट हो गए भाई, निकलो इधर से, ये सीन गड़बड़, इधर नहीं रहना मेरे को, बट इतना मेहनत करके इतना बढ़िया पोकेमॉन पकड़ा भाई, गंदा सीन होता है, नहीं चाहिए मेरे को, खेलना ही नहीं भाई। अबे भाई हद दे, फेंको सबको पीसी में, ट्रांसफर मारो, मैं लेआउट पे एक भी पोकेमॉन चेंज नहीं करने वाला भाई, पहले बता रहा हूँ, ये सब गंदे लोग आए पता नहीं किधर से, रुको अब सही है थोड़ा, जा रहे भाई, वो किधर गया भाई वो, अच्छा पीसी में है क्या ऑटोमेटिक, नहीं मूव नहीं करना, रुको विड्रॉ करो डायरेक्ट, फटाफट होगा, भागल हूँ पता, ये आया ये आई, ये भी आया, आ रहे ओके, ये भी ये, अच्छा एक 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 बंदे ने वो बताया था इसका सीन ग्लिचिंग वाला है थोड़ा, मतलब क्या है ना आपन लोग ने पकड़ा वो वाटर टाइप जो पोखे ना, वो दिखता वीवाइल है भाई, ये देखो ल्यूमिनियन भाई दिखता वीवाइल है, मैंने भाई बंदे को मजाक मजाक में बोल दिया भाई जा भाई छोड़ना क्या फ़र्क पड़ता है, मस्ती करो मज़े में रहो और ये लो मज़े में रहो भाई। ओके भाई लोग देखो जो वो से भी कॉन्टेस्ट था एंड अपन लोग ने भाई अपनी मर्जी से अपने पोकेमॉन्स को अपने से दूर नहीं किया था, इसके लिए मैं लेआउट पे एक भी पोकेमॉन चेंजेस नहीं करने वाला, ठीक है। बाकी आज के एपिसोड में अपन लोग ने वैसे तो कुछ बड़ा काम नहीं किया बट करना चाहिए था बट टाइम नहीं मिला भाई, बट हाँ अपन लोग ने केव को एक्सप्लोर कर दिया, अब जिम खुल चुका है, वॉट वो, ये कुछ नया भाई, जिम खुल चुका है, जिम लीडर कहाँ पे भाई, अच्छा ये लग रहा है मेरे को, सच में ये लग रहा है, बट अपना एपिसोड ये बी बात मेरे को पहले पता होती तो भाई मैं डायरेक्ट आके जिम बैटल करता भाई यहाँ पे, वो बग कैचिंग वॉकचिंग कचरा वचरा छोड़ देता, बट मेरे ख्याल से बग कैचिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बाद ही जिम खुला है,
हाँ ये सीन है शायद से, क्योंकि उसके पहले अपने ट्राई किया था, नहीं खुला था। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई ही बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन नेक्स्ट एपिसोड में डायरेक्ट जिम बैटल करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो भाई लोग, आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों को भाई पसंद आई होगी आज की वीडियो। बाय द वे, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना भाई। और आज के लिए बस इतना, कल मिलेंगे एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को एंड हैव अ गुड डे।